Hey, hello everyone, and welcome back to my channel name Learning to Learn. So, before starting today's topic, let me give you a recap of last. टॉपिक लास्ट में हमने किया था द डिफरेंस बिटवीन विजन सॉरी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था और इसका हमने डिफ्रेंशिएशन देखा था सो so, अभी तक अगर आपने वीडियोस ना देखे हों इसी प्लेलिस्ट में तो ऊपर यहाँ पर आई सेक्शन पे चला जाइएगा आई सेक्शन पे जाते ही आपको इसका प्ले मिल जाएगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम बेसिक ओके ना ऑब्जेक्टिवस और गोल्स आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट वॉट आर ऑब्जेक्टिवस एंड गोल्स कई लोगों को ये लगता है

बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट्स अब आपको शायद ये समझ में आएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ट्रांसलेट करता है अपना विजन और विजन स्टेटमेंट इन टू ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव आर ओपन हैंडेड ओपन हैंडेड एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि ये फ्यूचर के लिए है ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दोनों फ्यूचर के लिए करेक्ट बट दीज आर ओपन एंडेड मतलब इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का चांस रहता है एंड वेरियस अदर थिंग्स गोल्स आर क्लोज एंडेड क्लोज एंड मतलब इनका एक टाइम फ्रेम होता है एट्रीब्यूट्स विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स में मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के लिए होते हैं राइट एंड दे आर अबिट समटाइम्स कन्फ्यूजिंग और वेरी फ्लेक्सीबल वेर एज जब हम गोल्स की बात करते हैं तो वी आर वेरी प्रिसाइज वेरी स्पेसिफिक और हम उसमें कोई एम्बिगिटी का चांस नहीं छोड़ते ठीक है तो गोल्स बहुत ही टाइम बाउंड होते हैं लाइक छः महीने में मुझे ये करना है या हमारी कंपनी को वन ईयर के के अंदर ये टारगेट अचीव करना है या नेक्स्ट वन मंथ में हम ये करेंगे जब आप स्पेसिफाई कर देते हो सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली बताते हो हर एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो वो होता है गोल्स ठीक है जबकि ऑब्जेक्टिव उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता गोल्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट द ऑब्जेक्टिव टू शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव तो गोल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं अब ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिवस आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स द रिजल्ट एंड आउटकम्स इट वॉन्ट्स टू अचीव द फंक्श दे फंक्शन ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक याडस्टिक की तरह फंक्शन करता है याडस्टिक मतलब जहाँ पर आपको जहाँ पर आप क्या करोगे मेजर करोगे अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को आपके एक्चुअल एक्चुअल ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करोगे सो so, ऑब्जेक्टिवस और गोल्स के बीच में आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल गया होगा बट अगर नहीं भी चला मैं आपको एक बार शॉर्ट में वापस रिपीट करा देती हूँ गोल्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं गोल्स में हम ये बताते हैं कि हम अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं अगले महीने क्या करने वाले हैं क्लोज एंडेड होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जबकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं ओपन एंडेड होते हैं उसमें आपको चेंजेस करने का मौका मिलता है ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एक यार्डस्टिक की तरह काम करते हैं मतलब आप ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करोगे अपना परफॉर्मेंस आप ये देखोगे कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए अब डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हम फटाफट देख लेते हैं ताकि आज का हम लेक्चर कंप्लीट कर सकें जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन ब्रॉड ये एक ब्रॉड वे में मेजर किए सॉरी स्टेट किए जाते हैं ये बताया जाता है कि हम ये अचीव करेंगे बहुत स्पेसिफिक नहीं होते जबकि गोल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं ये आपको समझने की जरूरत है ओके okay? नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर ओपन एंडेड ऑब्जेक्टिव्स ओपन एंडेड होते हैं मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं टाइम बाउंड नहीं होते जबकि गोल्स टाइम बाउंड होते हैं मतलब एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं इसमें आप एडिटिंग या फ्लेक्सिबिलिटी uh, नहीं होती कोई भी चीज़ चेंज करने की ऑब्जेक्टिव्स आर टाइमलेस इसमें टाइम फ्रेम हम नहीं रखते जबकि गोल्स आर टाइम बाउंड इसमें टाइम फ्रेम रखा जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर हम वो काम कंप्लीट कर लेंगे सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे आई होप यू लाइक इट एंड जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विल स्टार्ट विद स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कोई भी बंदा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहा हो इन एनी यू कैन से सिलेबस इट कैन बी योर बी कॉम एम कॉम और एनी अदर ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टडी हार्ड बाय एवरीवन